Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है और एस्टिमेटेड बजट आप लोगों का कितना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट वीज़ा को, मतलब पूरा प्रोसेस कितने टाइम का होता है. तो इस वीडियो में ये कवर करूंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें. तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है. ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती आपको. सही है, सेफ साइड के लिए बस हम लोग ये है कि कंसल्टेंट से काम करवा लेते हैं और ख़ुद काम चोरी करते हैं. खुद ना करने की वजह से हम लोग कंसल्टेंट चूज़ करते हैं. कंसल्टेंट आपको वो यूनिवर्सिटी बताता है जिनमें उनका कमीशन होता है, तो एट दी एंड फिर आपका अपना ही लॉस होता है. ये आप लोग उस वक्त नहीं सोच रहे होते, बाद में आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, हम लोग अगर अपनी मर्ज़ी से कोर्स सेलेक्ट करते, अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, कम फीस भी मिलती और यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिलती. लेकिन ये चीज़ हमें बाद में रियलाइज़ होती है क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी वो बताते हैं जिनमें उनका कमीशन होता है, और फिर फाइनली होता यही है कि आपको फिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है. कि खुद अप्लाई करें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, प्रोसेस बहुत ईजी है. तो करना ये है आपने सबसे पहले कि अपना कोर्स सेलेक्ट करना. ठीक है, जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप कोई भी 3 या 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें. ठीक है, 3-4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद उन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट खोलें, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और उसमें अपनी एप्लीकेशन फिल करें. एप्लीकेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है. उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और प्रीवियस एजुकेशन और करंटली आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई मुश्किल नहीं होती कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े. एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 या 2 वीक बाद, डिपेंड करती है हर यूनिवर्सिटी की, अलग अलग डेट्स होती हैं. तो कोई विद इन अ वीक रिप्लाई कर देता है, कोई 2 वीक्स में रिप्लाई करता है. तो विद इन अ वीक और 2 वीक रिप्लाई आपके पास आ जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का. तो ये है कि तो एप्लीकेशन में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे. अपने डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, और उसके अलावा आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपके पास कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसे कि आइल्स या तो टॉफिल या इस तरह का कोई भी आपके पास है तो आप वो सबमिट करें. ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा. तो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर पे वो कंडीशंस बताएंगे कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स फर्दर और हमें चाहिए. या मोस्टली कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको डायरेक्ट कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देते हैं. अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको कंडीशनल लेटर दे देंगे. टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने प्रोवाइड किया उनको, कि आपके पास कंडीशनल लेटर आता है या अनकंडीशनल आता है. अगर आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब दे देते हैं तो आपके पास कंडीशनल आ जाएगा, वरना अनकंडीशनल आएगा. अनकंडीशनल में ज़्यादातर इसी तरह होता है कि आप आइल्स बाद में देते हैं तो वो आपसे आइल्स के रिक्वायरमेंट मांगते हैं, या वो आपसे मांगेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ आप ट्रांसक्रिप्ट के साथ कोई रेफरेंस लेटर भी दें किसी अपने प्रोफेसर का. इस तरह के ही मतलब एडिशनल वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, आप वो डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपको कंडीशनल लेटर दे देंगे. तो आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जब आ जाता है तो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, फिर आपके पास कंडीशनल आ गया. कंडीशनल ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको फ़ीस जमा करानी होगी, जो कि होगी इनिशियल डिपॉजिट. अब हर यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट डिफरेंट होता है. कुछ यूनिवर्सिटी 4000 मांगती हैं, डिपेंड करता है फ़ीस के ऊपर आपकी. तो जो भी फ़ीस होती है उसके मुताबिक वो इनिशियल डिपॉजिट होता है. ठीक है, तो आप इनिशियल डिपॉजिट जमा कराएंगे. ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपकी, उसके मुताबिक आपको वो अमाउंट 28 डेज तक अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करनी है. ठीक है, जब आप वो मेंटेन कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट लाजमी मांगती हैं कैश लेटर इशू करने के लिए. तो जब आप अपना इनिशियल डिपॉजिट पे कर देते हैं तो वो आपको कैश लेटर जनरेट कर देती हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि हमें मेंटेन बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए तो ही हम कैश लेटर जनरेट करेंगे. लेट सपोज आप लोगों ने कैश के लिए अप्लाई कर दिया है, तो एक और आप लोगों को प्रोसेस अपने साथ साथ लेके चलना होगा, वो होगा आपका मेडिकल रिपोर्ट. तो मेडिकल रिपोर्ट ये होता है कि आपको एक टीबी का टेस्ट कराना होता है. ठीक है, वो उसका अपॉइंटमेंट आप लेंगे, और अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका एक टीबी का टेस्ट होगा. सही है, उसकी आपको फ़ीस जमा करानी होगी. ठीक है,
और फिर वो आपका टेस्ट हो जाएगा। वो एक ही दिन का प्रोसेस होता है, आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सिटीज़ में ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट देर से मिलता है, तो कोशिश ये करें कि उसको भी टाइमली आप कर लें। और जब टीबी का आपका काम हो जाएगा उसके बाद आपको सिंपल बस कैश के लिए वेट करना है। जैसे ही आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो गई, आपके पास कैश लेटर आ गया, तो फिर आपके पास सीधा सीधा प्रोसेस बचेगा वीज़ा अप्लाई करने का। वीज़ा अप्लाई करना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वीज़ा अप्लाई हम आके खुद से कैसे करें, नहीं हम नहीं कर सकते, कभी किया भी नहीं होता वीज़ा अप्लाई। तो वीज़ा अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। एप्लीकेशन थोड़ी सी आम एप्लीकेशन से लेंथी होती है, लेकिन यह है कि अगर आप उसमें अपने नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप फिल करते रहें, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप बिल्कुल करेक्टली फिल करें, तो आपका कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह फिल करते हैं ये मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इससे भी रेफ़र कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है, आप लोगों को बस कोशिश यही करनी है जो भी आंसर दे रहे हैं सोच समझ के करेक्ट आंसर दें। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके मदर फादर इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको अपना कैश नंबर प्रोवाइड करना होगा, और जब भी आपको कैश मिलेगा उस पर सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई होती हैं कि आपने कितना इनिशियल डिपॉजिट पे किया, कितनी रिमेनिंग है, तो वही सब चीज़ें आपको वीज़ा एप्लीकेशन में भी फिल करनी होती हैं। तो मैं लाजमी इसकी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको भी देख के हेल्प ले सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फ़िल कर देते हैं तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको IHS फ़ीस भी देनी होती है, और जो कि होती है हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस, और उसके साथ साथ आपको अपना VFS का अपॉइंटमेंट लेना होता है। अगर आप इंडिया में हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया में भी VFS होता है, और पाकिस्तान में भी VFS होता है, तो आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना होगा। वहाँ पे आप लोग जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी पिक्चर ली जाएगी, और आप अपना पासपोर्ट सबमिट करा देंगे, और फिर आपको वेट करना है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम वैसे तो 3 महीने होता है, लेकिन होपफुली आपका विद इन अ मंथ वीज़ा आ जाएगा। विद इन अ मंथ से पहले ही आ जाता है, 15 वर्किंग डेज वैसे बोलते हैं, और 15 वर्किंग डेज में आ जाता है आपका वीज़ा ना। तो इसमें दो सर्विसेज होती हैं, एक प्रायोरिटी सर्विस होती है और एक स्टैंडर्ड सर्विस होती है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था, इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आया, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।